सोलन में कुछ दिन पहले हुई ओलावृष्टि का असर अब किसानों को दिखने लगा है। तोप की भीड़ पंचायत में किसानों की मटर की फसल 50% से ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। सोलन की मटर की मांग न केवल हिमाचल में है बल्कि अपनी मिठास के कारण बाहरी राज्यों में भी बहुत है, जिस कारण सोलन के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ रहती है। लेकिन ओलावृष्टि के कारण ज्यादातर मटर झड़ चुके हैं और जो बचे हैं वह दागी हो चुके हैं, जिस कारण उनका मंडियों में भी दाम नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि सोलन का किसान आज बेहद मायूस है और वह इस आस में है कि सरकार उसकी इस स्थिति में मदद करेगी। तोप की भीड़ पंचायत के किसान प्रदीप कुमार ज्ञानचंद ने अपनी दिल की पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उनकी फसल ओलावृष्टि से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जो बची है उसके दाम उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीज लगाने और महंगी दवाइयों के छिड़काव के लिए उन्होंने ऋण लिया है और अब वह स्थिति में नहीं है कि वह फसल बेचकर अपना ऋण उतार सके। संकट की इस घड़ी में किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनकी इस स्थिति में सहायता करे और खराब हुई फसल का उचित मुआवजा मुहैया करवाया जाए ताकि वह ऋण चुकाने में सक्षम हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पंचायत तोप की भीड़ का स्थायी निवासी हूँ। हमने लगभग 10 बीघा जमीन में मटर लगाए थे जो कि जिसमें कि फ्रूट्स लगे हुए थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं ओलावृष्टि के कारण। हमारी सरकार और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसमें हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। ये किसानों ने अपना कर्ज लिया था तो अब बीज खरीदने के लिए उसमें दवाई खाद के लिए बुआई करने के लिए अब उनको वो देना बहुत एक मुश्किल की बात हो चुकी है। मेरा नाम ज्ञानचंद है जी और हमने मटर की फसल लगाई थी जी, तकरीबन पाँच छः बीघा मटर लगाए हुए थे। ये ओलावृष्टि से हमारी सारी फसल खराब हो गई और इससे हमारे को बड़ा नुकसान हुआ। हम सरकार से ही चाहते हैं भी हमारे को कुछ ना कुछ इसका मुआवजा मिलना चाहिए। फसल तैयार थी जो इसका मार्केट में कोई रेट नहीं मिल रहा। हमने मटर लगाए थे वो खराब हो गए ओलावृष्टि से, सब खत्म हो गए। अब ऐसा चाहते हैं भाई कुछ बीज का पैसा या कुछ भी जो दवाई लगाई वो कुछ सरकार दे दे हमारे को।